जिला क्रमांक पूर्वा 573 साढ़े गांव के मैराल मंदिर में गौराइसा को दर्शन। वहां से निकलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी साढ़े गांव में पहुंचे। वहां बाएं हाथ में मैराल देवी का मंदिर था। अंदर जाते समय बाएं हाथ में एक बरामदा था, वहां वे आसन पर विराजमान हुए। भगवान ने उस समय मोटी चादर का वहां पर्दा बांधा हुआ था। गौराइसा वहां पीपल को पानी देने आई थी। उसने भगवान की दोहरी चादर को वहां बंधा हुआ देखा। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि शायद भगवान भी यहाँ आए हुए हों। जब वह वहां पहुंची तो उसे साक्षात भगवान बैठे हुए दिखाई दिए। तब उसने भगवान को दंड प्रणाम कर उनके श्री चरणों को अपने हाथों से स्पर्श किया। फिर भगवान ने पूछा, बेटा इंद्रवट यहाँ पर ही है कि कहीं गए हुए हैं? इस पर उसने कहा, भगवान वे यहाँ नहीं है। फिर भगवान ने उससे पूछा, यह किसके लिए लेकर आई थी? यह अग्रोधक काकों के देव के लिए लाई थी। फिर वह वहां से अपने निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उसने अवाइसा और उमाइसा को भगवान के यहाँ आने की खबर दी। उसी समय वे दोनों भगवान के दर्शन के लिए वहां आई। भगवान को दंडवत प्रणाम कर उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। वहां पर अवाइसा लखाइसा से मिली। उसने उससे कुछ क्षेम कुशल पूछा। व्यवहार की दृष्टि से वे परस्पर संबंधी थे। फिर अवाइसा ने लखाइसा से पूछा, आप लोग कब यहाँ आए? इस पर उसने कहा, हम आज ही यहाँ आए हैं। फिर अवाइसा भगवान के पास जाकर बैठ गई। फिर उसने भगवान से भोजन करने की प्रार्थना की। भगवान इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर वह लखाइसा को अपने निवास स्थान पर ले गई। फिर उसने अपने शरीर की मैल निकालकर स्नान किया। फिर उसने भोजन किया। लीला का है तुम। गौराइसा भगवान की दोहरी चादर को देखकर भगवान के पास आई। उसे भगवान के दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्राप्त हुआ। फिर अवाइसा के आने पर उसके भोजन के आमंत्रण को भगवान ने स्वीकार किया। उन्हें भगवान ने दर्शन और भोजन कराने का लाभ प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 573 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 574 रानाइसा को स्वातंत्र की शिक्षा। इधर रानाइसा को भूख लग गई। वह कभी उठती कभी बैठती और फिर अपनी बंधी हुई रोटी की ओर देखती। ऐसे वह लखाइसा के आने की प्रतीक्षा करती रही। फिर वह कभी भगवान की ओर देखने लग जाती। इस पर भगवान ने कहा, माता आप खाना क्यों नहीं खा लेती? इस पर रानाइसा ने कहा, भगवान हमारा दोनों का भोजन एक ही स्थान पर है। लखाइसा जब आएगी वही भोजन देगी। इस पर भगवान ने कहा, माता स्वतंत्रता ही मोक्ष है। इतने में लखाइसा वहां आ गई। फिर उसने रानाइसा से पूछा, क्या तुमने भोजन कर लिया? इस पर रानाइसा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे भोजन कर लेती? फिर उसने वह बंधी हुई खाने की पोटली की गांठ खोली और उसमें कड़ी चावल निकालकर उसे दिए। इतने में भगवान ने पूछा, माता यह क्या है? इस पर लखाइसा ने कहा, यह दही चावल है और यह क्या है? इतने में बाइसा वहां आ गई और उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, स्वयं तो वहां से खा आई और अब इसे कड़ी चावल दे रही है। रहने दे यह सब कुछ, यह भगवान के साथ ही भोजन कर लेगी। इसके बाद उसने दही चावल उसे निकाल कर दिए। फिर रानाइसा ने भोजन किया। लीला का हेतु। भगवान ने यहाँ रानाइसा को स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित किया। यहाँ इस वचन का निरूपण भी किया है, स्वतंत्र होकर जीना मोक्ष का कारण है, परतंत्रता बंधन का कारण है, आत्मनिर्भर होना सबसे उत्तम है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाद 574 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाद 575 रात को अवाइसा का भोजन और मैराल में रात्रि निवास। फिर रात के समय अवाइसा ने भगवान के लिए उपहार भेजा। भगवान को मैराल मंदिर के अंदर दक्षिण भाग में आसन पर बिठाकर पूजा अर्चना की। फिर रात को भोजन किया। रानाइसा ने भगवान के साथ ही बैठकर भोजन किया। वहीं रात के समय भगवान ने विश्राम किया। लीला का हेतु। मैराल मंदिर में भगवान ने रात को निवास किया। अवाइसा का भोजन स्वीकार किया। इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अवाइसा को भोजन का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वाद 575 यहां संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाद 576 गोदावरी को पार कर पुरी में आसन। प्रातः काल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान गंगा गोदावरी के तट पर गए। नौका के पास आए। वहां भगवान ने नाविक से कहा, तुम लोग नौका क्यों नहीं चला रहे? तब उस नाविक ने कहा, भगवान
यहाँ के महाजनों ने मुझे नौका ना चलाने की सौगंध दे रखी है। तब भगवान ने कहा, हम लोग तो भिक्षुक महात्मा हैं, हम लोगों के लिए थोड़ी ही कोई सौगंध है, चलो नाव चलाओ। स्पृश ने कहा, भगवान मुझे तो नाव चलाना आता नहीं, मैं कैसे नाव चला सकता हूं। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम नौका चलाने में तुम्हारी मदद करेंगे। इस पर उसने नाव छोड़ दी। तो भगवान ने अपने दुपट्टे को लपेटकर अपनी कमर में कसकर बांध दिया और उसकी नौका में बैठ गए। बाईसा लखाईसा भी इस नौका में बैठ गई। इतने में नाव थोड़ी आगे बढ़ी तो भगवान ने अपने हाथ का सहारा देकर रनाईसा को भी नौका में बिठा लिया। भगवान अपने श्री कर कमलों में नौका के चप्पू को लेकर उसे चलाने लगे। भगवान ने उस नौका को इतनी कुशलता से चलाया कि वह उसे सीधे ही दूसरे किनारे पर ले गए और उसे घुमाकर वहां किनारे पर लगा दिया। स्वयं उस नाभी को भी इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, भगवान इतनी सरलता और सहजता से कोई नौका नहीं चला सकता। चप्पू उसके हाथ में देकर भगवान दूसरे किनारे पर नौका से नीचे उतरे। बाईसा और लखाईसा भी जल्दी से नीचे उतर आए। इतने में नौका किनारे से कुछ दूर हिचकोले लेने लगी। भगवान ने पुनः अपने हाथ का सहारा देकर रनाईसा को नीचे उतारने में सहायता की। इस पर बाईसा ने रनाईसा पर गुस्सा उतारते हुए कहा, इस औरत को क्या हो गया है, इसने चढ़ती बार भी भगवान के हाथ का सहारा लिया और उतरती बार भी, भगवान के हाथ दुख नहीं गए होंगे। भगवान वहां से आगे बढ़े। पूरी गांव के पास ही वैजोबो का खेत था। वहां एक बबूल के पेड़ के नीचे वे बैठ गए। इतने में वहां वैजोबा आ गए। उन्होंने आकर भगवान को दंडवत प्रणाम कर श्री चरणों को स्पर्श किया, मीठे खीरे भगवान को खाने के लिए दिए। फिर भगवान ने बाईसा को संबोधित करते कहा, माता यह वानरेश का गांव है, लीला का है। उस नौका को चलाते समय भगवान ने जीव और देवताओं में विद्यमान कला और कुशलता का रूप प्रदर्शित किया। नौका को भगवान ने अपना संबंध प्रदान दिया। उसे देखकर भी भगवान ने दृष्टि से संबंध दिया। बबूल के वृक्ष के नीचे आसन पर बैठकर उन्होंने उसे अपना संबंध प्रदान किया। वैजोबा के खीरे भगवान ने स्वीकार किए। उसे भी भगवान ने पुण्य फल प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 576 यहाँ संपूर्ण होती है। प्रणाम। जय श्री चक्रधर।